Hello students, warm welcome to JK Sharp classes. In today's lecture, we are going to start with the revision session of management accounting. Myself, Dr. Yogesh Patil, wishing you very all the best for your coming CS executive examination, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट आपको पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए. इस 40 मार्क के पेपर में टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों को सिमिलर लगते हैं, बट एक्चुअल एंड अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना इज द इंपॉर्टेंट टास्क. जब भी आप लोग आंसर सिलेक्ट करोगे, करेक्ट आंसर के लिए यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क और हर नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.25 मार्क्स का डिडक्शन रहेगा. सो गाइज बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द आंसर. नाउ इन दिस सेशन I have classified all the chapters between various videos, and in this video we will be purely talking about few important concepts related to cost and cost sheet. ठीक है, तो let's start this important session जहां पे revision होगा आपके पूरे management accounting का. और especially इस session में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ cost concept की और cost sheet की, जिससे रिलेटेड सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करा के लेना इज माय ड्यूटी. ये हमारे जेके शाह क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिस्कशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट. बिफोर स्टार्टिंग विद एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉस्ट, गाइज लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग. या सब्जेक्ट में ज्यादातर कॉन्सेप्ट है नहीं, अगर एक बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप लोगों को ज्यादा वराइटीज के सम्स जो है उनमें से प्रैक्टिस करनी है, और करने के बाद आप लोगों को आराम से मार्क्स मिल सकते हैं. So let's start without wasting much time about the cost. Whenever guys you are talking about cost, this is totally different subject. Jabhi bhi aap log baat karte ho financial accounting ki, financial accounting is totally different. Management accounting is totally different. Aur waise hi cost ki baat karoge to costing is different, cost accounting is different. To filhal hum log start karte hain costing se. जब भी आप लोग बात करते हो कॉस्टिंग, इस पूरे सब्जेक्ट के नाम में जो वर्ड कॉस्ट इंक्लूड हुआ है, दैट टर्म इज नॉट न्यू फॉर यू. सो वेरी फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द मीनिंग ऑफ योर कॉस्टिंग. कॉस्टिंग इज अ टेक्निक. अगर किसी ने भी आके आपको पूछा कॉस्टिंग क्या होता है, या जब भी आप लोग बनोगे सीएस उसके बाद अगर आपको किसी ने पूछा कि कॉस्टिंग क्या होता है, तभी जाके आंसर मत दो कि कॉस्टिंग का मतलब नहीं पता, हम लोग ने ऐसे पढ़ा था. ऐसा आंसर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता. आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम देने जा रहे हो. Costing, in simple terms, it's a very, very important technique which is generally used to ascertain the cost of a product which is manufactured by the company or a service which is rendered by the organization. फिर से दोहराना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग कॉस्ट इनकर्ड जो होता है ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, कोई सर्विस रेंडर करने के लिए कितना खर्चा लगा, ये इसका कैलकुलेशन किया जाता है, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग. सो इन जनरल टर्म्स कॉस्टिंग इज अ टेक्निक जिसमें हम लोग कॉस्ट एसर्टेनमेंट करेंगे. अभी क्वेश्चन आता है सर ये कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है. जब भी आप लोग बात करते हो कॉस्ट की, हियर लेट मी टेल यू वन थिंग, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आइदर और वी विल बी कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ सर्विस. दो टाइप की चीजें होती है इंडस्ट्री में. एक तो आप कोई टैंजिबल प्रोडक्ट बना के बेचते हो, या फिर इनटैंजिबल प्रोडक्ट जिसे आप सर्विस बोलते हो उसे बना के बेचा जाता है. द लेक्चर विच आई एम डिलीवरिंग टू यू पीपल आपको नॉलेज गेन करने के लिए हेल्प होगा, और इस लेक्चर को बोला जाता है सर्विस रेंडर करना. यही चीज अगर मैं कैलकुलेटर बना के बेचू तो कैलकुलेटर दिखता है, एंड दैट टैंजिबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज योर प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो बनाने के लिए डिलीवर करने के लिए खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, और उस खर्चे को ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. और ये खर्चा एसर्टेनमेंट करने का जो टेक्निक होता है उसे बोला जाता है कॉस्टिंग. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, इस टेक्निक में करेंगे क्या. कॉस्टिंग के टेक्निक में वी आर गोइंग टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव इनकर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और फॉर द रेंडरिंग अ सर्विस. प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए जो भी खर्चा आप लोगों ने किया है ना, उस खर्चे को बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में कॉस्ट. और कॉस्ट में दो टाइप के पार्ट्स आते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है आप लोगों का डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये थोड़ा सा समझ लो. सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, द कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी.
is called as direct cost, and the cost which is required for completion of production activity is called as indirect cost. Samajh rahe ho kya bola maine? Cost which is required for commencement of production activity is direct cost, and the cost which is required for completion of production activity is called as your indirect cost. Abhi question aata hai sir, commencement completion kya hai? कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें शुरू में इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, और वो सारी चीजों के जो खर्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, विच इज प्राइमरी कॉस्ट। और एक बार प्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्शन को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लगेगा, दैट सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर से कॉस्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सारे खर्चे which you have incurred from the starting of consumption of raw material se leke finished goods are sold in the market, material se leke finished goods banane tak aur bechne tak jo kharcha aata hai wo cost mein include hota hai, lekin cost ko do part mein divide karte hain, jisme se pehla hoga aap logo ka direct cost, dusra hoga aap logo ka indirect cost. Question puchega, direct cost is also known as primary cost, indirect cost is also called as secondary cost. The cost which is required for commencement of production activity is called as direct cost. Cost which is required for completion of production activity is called as indirect cost. जा रहा है दिमाग में? और आगे बढ़ते हैं, और डीप में समझा देता हूं ताकि रिवीजन में आप लोगों का कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। The cost which directly proportionate to the quantity of production is called as your direct cost. जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ऐसे कॉस्ट को बोला जाता है आप लोगों का डायरेक्ट कॉस्ट। एंड द कॉस्ट व्हिच नेवर चेंजेस और व्हिच रिमेंस फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्वांटिटी फ्लक्चुएशन की वजह से जिस कॉस्ट पे असर नहीं होगा उसे जनरली बोला जाता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो बेसिकली अभी तक आप लोगों ने तीन पार्ट रिवाइज किया। पहला, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है ऑल एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव इनकर्ड which should be relevant to the production, और cost को दो part में divide करोगे, direct, indirect, primary, secondary, commencement cost, completion cost, और इसको और एक बोला गया कि direct fluctuate होने वाला cost और जो related नहीं होता है quantity से ऐसा वाला cost। को समझ रहे हो? पक्का? थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा, जरा आपके सामने आने वाले स्क्रीन पे फोकस कीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैरीज वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपके सेकंड ग्रुप में पेपर 5 है। ये सेकंड ग्रुप का जो पेपर 5 है, 40 मार्क के एमसीक्यूज में आप लोगों को बहुत ही कम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और उसमें से अच्छे खासे मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हो। सो टुडे वी स्टार्टेड विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, जहां पे कॉस्टिंग का मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। विच सेज इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और अ सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी। वेयर एज कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और फॉर रेंडरिंग अ सर्विस, इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल टिल द फिनिश गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। देख लो, नया कुछ भी नहीं है। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करोगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डिफरेंट नेम्स मैंने बताया, प्राइमरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट, कमेंसमेंट कॉस्ट, कंप्लीशन कॉस्ट, डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट, ऐसे इसके नाम है। अगर आप लोग बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट की बात करोगे तो दिस कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा पार्ट इज डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर थोड़ा अच्छे से समझाओ, बस उसी के लिए तो रिवीजन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं यार, अच्छे से ही समझाना है। डायरेक्ट कॉस्ट का पहला पार्ट इज डायरेक्ट मटेरियल। इफ यू सी ऑल थ्री नेम्स, नो गाइस, हर एक नाम के सामने सिर्फ सीरियसनेस बढ़ाने के लिए एक नाम चिपका दिया है, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये होता क्या है? Have you ever heard about RMC? कभी सुना है आप लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सुना है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सुना है। नहीं सुना है तो अभी सुन ले। रॉ मटेरियल कंज्यूम इन जनरल टर्म्स इट मीन्स रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है उसे बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम? सिंपली लॉजिकली समझ लो, मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पड़े हुए थे। मैंने क्या बोला? मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पड़े हुए थे, मतलब 1000 यूनिट्स का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था।
अभी आप ही मुझे बताओ, क्या पूरे साल में 1000 यूनिट्स ही मैं यूज करने वाला हूँ? नहीं, टोटली डिपेंड ऑन दी डिमांड फ्रॉम दी मार्केट। मार्केट में से बहुत डिमांड आया और वो डिमांड फुलफिल करने के लिए अगर मुझे और प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एडिशनली मटेरियल खरीदना पड़ेगा। एडिशनली मैंने सपोज खरीदा मटेरियल अमाउंटेड टू रुपी सॉरी यूनिट, जो मटेरियल के है वो 49,000 है, तो 1000 यूनिट्स मेरे पास थे, 49,000 यूनिट्स जो है मैंने एडिशनली खरीदे, मतलब नाउ आई एम हैविंग 50,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन माई गोडाउन। मेरे गोडाउन में 50,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस 50,000 यूनिट में से जब साल खत्म हुआ ना, तभी 5,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल आर स्टिल लाइंग इन माई गोडाउन। साल खत्म होने के वक्त, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मेरे गोडाउन में 5,000 यूनिट्स ऐसे ही पड़े हुए थे। सर सर क्या बोला, मेरे पास 1,000 यूनिट्स थे, 49,000 यूनिट्स मैंने खरीदे, 50,000 यूनिट्स में से 5,000 यूनिट अनयूज्ड है, तो यूज्ड मटेरियल कितना हुआ? यूज्ड मटेरियल हो गया 45,000 यूनिट, एंड दिस 45,000 यूनिट जनरली इट इज कॉल्ड एज आरएमसी, और हम लोग इस सब्जेक्ट में इसे बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सो फॉर्मूला इज सेम, कॉन्सेप्ट्स आर सेम, नथिंग इज न्यू। व्हेनेवर यू पीपल वांट टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, सिंपली आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी बच्चे बोलते हैं सर वो एक्सपेंसेस क्या लिखा है। सपोज यू आर परचेजिंग मटेरियल विच इज अमाउंटेड टू ₹1,00,000, मटेरियल खरीदने के लिए आप लोग जाओगे सप्लायर को बोलोगे मटेरियल दे, वो मटेरियल दे देगा ₹1,00,000 का। मटेरियल गोडाउन में लाने तक का खर्चा करना पड़ेगा आप लोगों को, सर्टन एक्सपेंसेस आर देयर व्हिच यू नीड टू इनकर एट अ टाइम ऑफ परचेजिंग द मटेरियल। मटेरियल खरीदने के वक्त जो खर्चा करना पड़ता है उस खर्चे को बोला जाता है एक्सपेंसेस ऑन परचेस। सुना रहेगा आप लोगों ने, फ्रेट इनवर्ड आपने सुना रहेगा, कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, ये सारी चीजें जो परचेस करते वक्त आप लोग करते हो उसके वजह से परचेस प्राइस बढ़ता है, परचेस कॉस्ट बढ़ता है। सर मतलब ₹1,00,000 का मटेरियल गोडाउन में लाने तक के लिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने मेरे पास से ₹10,000 ले लिया, मतलब मुझे मटेरियल कितने में पड़ा, ₹1,00,000 में? नहीं यार, मुझे तो मटेरियल ₹1,10,000 में पड़ा, और इसीलिए फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल वी शुड एड ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मटेरियल। दिस इज हाउ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड। सेकेंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट वेजेस, दीज आर दी वेजेस विच आर डायरेक्टली पेड टू दोज वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ऐसा बंदा जो आके आपके फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री में काम करके आप लोगों को वो प्रोडक्शन करके देता है, प्रोडक्ट बना के देता है, ऐसे जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को बोला जाता है डायरेक्ट वेजेस। दीज आर दी एक्सपेंसेस विच यू हैव पेड टू योर वर्कर्स एंगेज्ड इन दी प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं कुछ लोग, जिसको प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं कुछ लोग, जिसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोला जा सकता है। आपके एग्जाम में किसी भी नाम से ये वेजेस को लिख के देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है वेजेस के लिए डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऐसे मल्टीपल नाम यूज किए जाते हैं। और तीसरा पार्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है बच्चों, उसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर दी चार्जेबल एक्सपेंसेस। सर ये क्या होता है? सर These are the expenses which you have incurred at a time of your production activity. मतलब जब आप लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो ना, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के वक्त जो खर्चे करने पड़ते हैं, सर कौन से खर्चे करने पड़ते हैं? से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी व्हीकल बनानी है, मैंने मेरी एक फैक्ट्री बना दी, फैक्ट्री में मैंने कार मैन्युफैक्चर कर दी, और आप ही बताओ मुझे वो क्या कार मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या मैं कार के ऊपर ऐसा वाला लोगो लगा सकता हूँ क्या? जरा स्क्रीन पे देखो, मैंने मर्सिडीज का लोगो बनाया, क्या मैं कार के ऊपर ऐसे 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 वाला लोगो चिपका सकता हूँ क्या? व्हाट यू थिंक? नहीं ना, ये मैं कर सकता हूँ सिर्फ मुझे अगर ये लोग परमिशन देते हैं तो, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू वाले अगर मुझे परमिशन देंगे तो ही मैं ये लोगो जो है वो मेरे कार पे लगा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन हर एक कार के पीछे ये लोग मेरे पास से कमीशन लेंगे। If I'm producing one car, तो they will be charging me $1,000. कुछ भी हो सकता है यार, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर मैंने 1,000 कार बनाई है तो उन्होंने 1,000 कार के हिसाब से वो लोग मुझे चार्ज करेंगे, तो चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं। सर इनको क्यों देने का? अरे भाई, आई एम यूजिंग देयर नेम, आई एम यूजिंग देयर ब्रांड, दे आर टेकिंग रॉयल्टी फ्रॉम मी, दे आर कवरिंग रिकवरिंग रॉयल्टी फ्रॉम मी, मतलब रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस। स्पेशल डिजाइन चार्जेस, सर ये क्या होता है? आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं, दे आर योर रेगुलर वर्कर, पर कोई एक चीज बनाने के लिए आप लोगों ने ना कोई एक स्किल्ड वर्कर बुलाया,
जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पे आया है, कॉन्ट्रैक्ट पे आके उसने बोल दिया कि मैं एक प्रोडक्ट बनाने का इतना लेता हूं, 10 प्रोडक्ट बनाने के बाद इतना होगा, वो मल्टीपल होता जाएगा जितने प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों आप लोग ये खर्चा कर रहे हो? क्योंकि वो स्पेशल डिजाइन के चार्जेस है। आपको एक ने डिजाइन बना के दिया, आप लोग किसी के डिजाइन यूज करते हो तो डिजाइन के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। मतलब समझ लो, जो भी खर्चा आप लोग इन एडिशन टू नॉर्मल जिस एक्सपेंसेस करते हो, वो आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सेट्रा, मतलब दिस इज द ओनली लिस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सिर्फ दो चीजें लिखी है, दिस इज नॉट दी ओनली लिस्ट जो सिर्फ इतना ही कवर करेगी, उसमें बहुत सारी और भी चीजें आ सकती है। इसमें जो भी चीजें आती है वो आपको jkshaclasses.com या jkshaclasses के वेबसाइट पे आपको मिलेगी। वो नोट्स में मैं अपलोड कर लूंगा, सो टेंशन मत लेना। फिलहाल ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया डायरेक्ट कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइमरी कॉस्ट बोलते हैं। अभी लेट मी लिंक ऑल दिस एक्सप्लेनेशंस। मैंने बोला कि ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो आप लोगों को शुरू में लगेंगे। शुरू में मतलब कमेंसमेंट के लिए लगने वाला कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट कॉस्ट। समझने की कोशिश करो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग रहेगी तो बच्चों हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। सर कैसे? मेरे पास मटेरियल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी मटेरियल अवेलेबल विथ मी। मेरे पास वर्कर्स हैं, उनको वेजेस दे रहा हूं मैं। मेरे पास डिजाइन्स वगैरह अवेलेबल है, ये सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास मटेरियल नहीं है। क्या मैं प्रोडक्शन कमेंस कर सकता हूं? नहीं ना। फॉर स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोडक्शन एक्टिविटी आपके पास मटेरियल होना जरूरी है। उसके बिना आपका प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। याद करो मैंने क्या बोला था, दिस इज द कॉस्ट विच इज मस्ट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इनके बिना प्रोडक्शन का स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता। सर 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 मतलब मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास डिजाइन है, मेरे पास वर्कर ही नहीं है। कौन काम करेगा मटेरियल कन्वर्जन पे? तो वर्कर्स भी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास डायरेक्ट वेजेस देने के लिए वर्कर्स भी है, लेकिन डिजाइन अवेलेबल नहीं है, तो मटेरियल और वर्कर मिलके क्या करेंगे? कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये लोग? बराबर है ना? तो इसीलिए ये ऐसी 3 चीजें हैं जिनमें से एक का भी न होना प्रोडक्शन कमेंसमेंट अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू हैव ऑल दिस 3 एलिमेंट्स विद यू फॉर द पर्पस ऑफ कमेंसिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी। डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट कॉस्ट। दिस ऑल आर द प्राइमरी एलिमेंट्स गाइस। ये प्राइमरी एलिमेंट्स है, प्राइमरीली हमें ये इनकर करना पड़ता है, शुरू में इनकर करना पड़ता है, इसीलिए इसे बोला जाता है प्राइमरी कॉस्ट। और तीसरा चीज बताया था मैंने, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्वांटिटी। सर एक्सप्लेन कर। अगर मैं सोच रहा हूं एक यूनिट बनाऊं, एक यूनिट बनाने के लिए अगर 100 रुपीज का मटेरियल लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, अर्ज है गौर फरमाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक यूनिट बनाने के लिए 100 रुपीज का मटेरियल लगता है, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए क्या उतना ही अमाउंट का मटेरियल लगेगा? कोई भी सीधा साधा साउंड माइंड इंसान बोलेगा नहीं सर, वो उस मल्टीप्लीकेशन में, उस प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा। एक यूनिट का 100 रुपया, तो 100 यूनिट बनाने के लिए आपको लगने वाला खर्चा 10,000 हो जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी इंक्रीजेस, योर मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस। व्हेन क्वांटिटी डिक्रीजेस, मटेरियल कॉस्ट डिक्रीजेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप लोग बात करते हो वेजेस की, एक यूनिट बनाने के लिए वर्कर 100 रुपया लेता है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए भी 100 में ही करेगा। कि अरे वर्कर है वो, कोई ऐसा वैसा नहीं है। एक यूनिट का 100 रुपीज लेता है, तो 100 यूनिट बनवाओगे उसके पास से, तो वो 10,000 रुपीज ही लेगा। क्वांटिटी इंक्रीजेस, वेजेस का कॉस्ट इंक्रीजेस। क्वांटिटी रिड्यूसेस, योर लेबर कॉस्ट रिड्यूसेस। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी। डायरेक्ट एक्सपेंस, मर्सिडीज का मैंने ले लिया डिजाइन, मर्सिडीज का लोगो ट्रेडमार्क यूज कर रहा हूं मैं। एक यूनिट बनाता हूं, एक कार बनाता हूं, तो वो 100 रुपया लेता है। 100 कार्स बनाऊंगा तो 10,000 रुपया लेगा। कार का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रॉयल्टी कम हो जाएगा। कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉयल्टी बढ़ेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो मैंने क्या क्या बोला? सो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स 3 आइटम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। उनके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इस कॉस्ट को बोला जाता है आपका कमेंसमेंट कॉस्ट। इसी को बोला जाता है आप लोगों का डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्लक्चुएट होता है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर डायरेक्ट कॉस्ट। एक्सप्लेनेटरी पार्ट, रिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो पूछ के देखो। सारे सारे के सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मटेरियल आया, वर्कर्स आए,
डिजाइन्स आ गए, ये सारे वर्कर्स मटेरियल लेके क्या नेशनल हाईवे पे प्रोडक्शन करेगा? नहीं ना, इसको प्रोडक्शन करने के लिए और एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री। तो और भी खर्चे करने बाकी है मेरे भाई, इसीलिए सेकेंडरी कॉस्ट आता है। अरे सर, वर्कर है, मटेरियल है, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा विदाउट मशीनरी, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा विदाउट योर रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कंप्लीट नहीं होगा प्रोडक्शन आप लोगों का जब तक आप लोग आपके फैक्ट्री का खर्चा नहीं करते हो, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप लोग प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं करते हो, प्रोडक्ट बेचने के लिए भी खर्चा आएगा। याद करो मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मींस ऑल द एक्सपेंस व्हिच यू हैव इनकर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल टिल फिनिश गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। फिनिश गुड्स बेचने तक का खर्चा बच्चों, बेचने तक का खर्चा मतलब और खर्चा करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई सेकेंडरी कॉस्ट व्हिच इज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन कॉस्ट, इसको बोला जाता है ओवरहेड। सत्यानाश हो सर, क्या बोला? ओवरहेड मतलब शुरू तो किया खर्चा, अभी और खर्चा बढ़ने वाला है, और इस खर्चे को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सर कौन बोला? दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में पहला फंक्शन होता है फैक्ट्री का, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सर मतलब क्या? जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा आपका इमीडिएटली फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, वो प्रोसेसिंग में जाएगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस WIP। प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, बराबर है? लेबलिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे के सारे काम ऑफिस में होंगे, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट पे बेचा जाएगा। तो आपको टोटल तीन टाइप के खर्चे याद रखने हैं। द एक्सपेंसेस विच यू हैव इनकर्ड इन फैक्ट्री आर कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट, expenses which you have incurred in office are called as administration overhead, and the expenses which you have incurred for selling and distribution of the product, finished goods बेचने का जो खर्चा है, they are called as selling and distribution overhead. इनमें क्या क्या होता है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं, हर खर्चे को आप लोग identify करो, सोचो connection लगा वो कहां पे use होता है, factory का rent, अरे factory में जाएगा क्योंकि वो फैक्ट्री का रेंट है, ऑफिस का रेंट रहेगा तो वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, और शोरूम क्यों बनाया है, शोरूम फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द गुड्स, इसीलिए उसका रेंट जाएगा आपका सेलिंग ओवरहेड में। रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहां पे यूज होता है, फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जो खर्चा फैक्ट्री से रिलेट होता है वो खर्चा फैक्ट्री में जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, सर मटेरियल वो डायरेक्ट था, मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी मटेरियल जो लगेगा पैकिंग के लिए वगैरह, जो लगने वाला मटेरियल वो आपका फैक्ट्री में जाएगा। ऑफिस में होने वाला खर्चा, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन चार्जेस है, ये सारे पोस्टेज, टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एक्सेट्रा, ये वर्ड जो लिखा है दैट क्रिएट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। ये एक्सेट्रा का मतलब लिस्ट इतनी ही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आ सकती है, क्या क्या आ सकता है इसका लिस्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज मिल रहे हैं। आप लोगों ने सेलिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया, सेल्समैन को सैलरी दिया, सेल्समैन को कमीशन दिया, व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन, व्हीकल का रिपेयर, कैटलॉग प्रिंटिंग, एग्जीबिशन चार्जेस, ट्रेड फेयर चार्जेस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सेलिंग ओवरहेड है। सर इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, आप ही बताओ, मेरे पास सिर्फ फैक्ट्री है, सिर्फ ऑफिस है, और सिर्फ सेलिंग का मेरे पास सब कुछ अरेंजमेंट है, लेकिन मेरे पास मटेरियल नहीं, मतलब तू ऐसा बोल रहा है कि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन प्रोडक्शन कंप्लीट कर, यार ये सेकेंडरी लेने वाली चीजें है ना, इसीलिए इसको सेकेंडरी कॉस्ट बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्लीशन कॉस्ट। और तीसरा मैंने नाम बताया था इसका इनडायरेक्ट, क्यों सर इनडायरेक्ट? सर इसको बोला जाता है बिकॉज क्वांटिटी चेंज हुआ तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू एक यूनिट प्रोड्यूस कर तो भी तुझे देने वाला जो रेंट है ना, जो भी रेंट आप लोग पे कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपके फैक्ट्री का रेंट 25,000 पर एनम है, एग्जांपल है, एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 25,000 का ही रेंट देना पड़ेगा, अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो भी रेंट जो है वो 25,000 का ही रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, रेंट चेंज नहीं होता।
दिस इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. सर मैं तो जीरो यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो भी 25,000 का रेंट देना पड़ेगा भाई. इसीलिए इसे बोला जाता है सेकेंडरी कॉस्ट विच इज नॉट एट ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन का और सेल्स का क्वांटिटी. इसीलिए इसे बोला जाता है आप लोगों का इनडायरेक्ट कॉस्ट सेकेंडरी कॉस्ट. कुछ समझा? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी तक का रिविजन दिला देता हूं. कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट. When you say cost, it means all the expenses incurred to convert material into finished goods and to sell out those goods in the market. It includes starting से लेके ending तक का पूरा खर्चा, material consumption से लेके finished goods बेचने तक का. जब भी cost of product बोलते हो, दो part में divide होता है. पहला होता है direct cost, दूसरा होता है indirect cost. Direct को बोलते हैं primary cost, indirect को बोलते हैं secondary cost. Direct का जो नाम है वो है आपका commencement को लगने वाला cost. Indirect is the cost which is required for completion of the activities. उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली फ्लक्चुएट विद द चेंज इन द क्वांटिटी एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आप लोगों का क्वांटिटी के हिसाब से चेंज नहीं होता है. ठीक है? जब भी बच्चों आप लोग बात करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट कॉस्ट की. डायरेक्ट कॉस्ट में तीन डिफरेंट वराइटीज आते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट मटेरियल इज नथिंग बट आरएमसी. आरएमसी का मतलब होता है आप लोगों का रॉ मटेरियल कंज्यूम. कैसे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इफ एनी सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल इज देयर यू शुड डिडक्ट दैट. डन. डायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्शन में वर्कर्स है उनको दिए है. प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट लेबर, इनके अलग अलग नाम है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंस. उसमें रॉयल्टी आ सकता है, स्पेशल डिजाइन चार्जेस आ सकता है, डायस के चार्जेस आ सकते हैं. बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेटरी पार्ट है और वो अलॉन्ग विद सम सॉल्विंग आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा. इसके बाद आप लोग इनडायरेक्ट में आ गए. फंक्शनल क्लासिफिकेशन जहां पे था. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन कॉस्ट ओवरहेड. इसमें तीन पार्ट थे. फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. यहां तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. डन. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हो बच्चों, तो व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच आर टू बी इंक्लूडेड एंड विच आर टू बी एक्सक्लूडेड. बच्चे समझ नहीं पाते एग्जैक्टली सर क्या बोल रहे हैं. समझ लो, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ. से फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन बनाने का बिजनेस कर रहा हूँ. ठीक है? ये अगर मुझे पेन बनाना है या पेन हो, कैलकुलेटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी बनाना है, तो वो बनाने के लिए मैं मटेरियल का खर्चा करूंगा, वेजेस, फैक्ट्री वगैरह सारे खर्चे करूंगा. अभी आप भी मुझे बता दो, ये पेन बनाते बनाते मुझे किसी का फोन आया और फोन में बोला कि यार मेरे को एक गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट देना. मैंने बोला ठीक है, कौन सा गिफ्ट चाहिए? बोलता आईफोन 12 प्रो. मैंने बोला यो ब्रो, आईफोन 12 प्रो चाहिए, उसको गिफ्ट के लिए मैं खर्चा करूंगा 1 से 1.5 लाख रुपया और वो 1.5 लाख का खर्चा मैं प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा. मतलब समझ के क्या रखा है, क्या चल रहा है ये? जब भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड ना. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं और उनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. सर ऐसा खर्चा कौन सा है? अधिक जानकारी के लिए देखिए ये एपिसोड जहां पे मैंने एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया. सर कौन कौन से खर्चे हम लोग सर कंसिडर करें? यू हैव टू कंसिडर एंड इंक्लूड ओनली टू एक्सपेंसेस. दे आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. कुछ खर्चे हैं जो हमें एक्सक्लूड करने हैं. सर याद क्या रखे? याद रखो फाइन ए. बच्चे पूछते हैं सर फुल फॉर्म क्या है? एफ फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंस, आई फॉर इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, एन फॉर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ई फॉर एक्सपेंसेस आफ्टर प्रॉफिट एंड ए फॉर एप्रोप्रिएशन. दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. प्रोडक्ट का कॉस्ट और सर्विस कैलकुलेट करते वक्त फाइन ए को एक्सक्लूड करो, फाइन ए को एक्सक्लूड करो, फाइन ए को एक्सक्लूड करो. सर फाइन ए में एफ का फुल फॉर्म क्या बताया? फाइनेंशियल एक्सपेंस. सर इसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट. अभी आप ही बताओ इंटरेस्ट देना प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? नहीं ना, वो तो आपके बोरोइंग से रिलेटेड है यार. आप लोगों ने इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट देना इज नॉट योर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटी. इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड.
इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ किया, पेटेंट रिटर्न ऑफ किया, एमोर्टाइजेशन बोला जाता है इसे, बराबर। आप लोगों ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया, भाई ये राइट ऑफ करना इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट रिलेटेड खर्चा नहीं है, ये खर्चा जो है ये आप लोगों के प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वेयर एन स्टैंड्स फॉर नॉन बिजनेस एक्सपेंस, सर ये क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है ऐसा खर्चा, सर मतलब लॉस बाय फायर, रोज लगती है आग, ऐसा किसी का धंधा होता है, इसको जला डाला तो लाइट झिंगा लाला, ऐसा किसी का बिजनेस है प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, नहीं। अनसर्टन इवेंट, गिफ्ट्स, चैरिटी, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को एक्सक्लूड करनी है, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते वो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कई सारे एग्जाम्पल है यार, मैंने मेरे बच्चों को गिफ्ट दिया, वो खर्चा में मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा यार, मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसमें गिफ्ट का खर्चा डालूंगा, साला पेन कितने में बेचना पड़ेगा मेरे को, बराबर है। तो इसीलिए नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस आर टू बी एक्सक्लूडेड। एक्सपेंसेस आफ्टर प्रॉफिट, सर ये क्या लिखा, एक्सपेंस आफ्टर प्रॉफिट के बाद कौन सा एक्सपेंस होता है, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेंस होता है भाई, गवर्नमेंट का नाम सुना है, जब भी आप लोग प्रॉफिट कमाते हो गवर्नमेंट आके आपको पूछता है भाई आर यू हैप्पी, हम लोग बोलते हैं यस वेरी हैप्पी, हैप्पीनेस तो ऐसे चेहरे पे छलकता है अपने, ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है, यस आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी है हम लोग, और जैसे ये हैप्पीनेस दिखता है ना गवर्नमेंट आके बोलता है भाई शेयर योर हैप्पीनेस, खुशियां बांटने से बढ़ती है, आप लोगों को देना पड़ता है इनकम टैक्स, और जब भी आप इनकम टैक्स देते हो दिस इज द ओनली एक्सपेंडिचर विच यू इनकर आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट प्रोडक्ट बनाने की वजह से आप लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, आप लोगों का प्रोडक्ट प्रॉफिट में गया ना तो उस प्रॉफिट पे आप लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, तो इट इज नॉट प्रोडक्ट रिलेटेड खर्चा बच्चों, इट इज प्रॉफिट रिलेटेड खर्चा। जब भी आपको लॉस होगा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो ये प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन, एप्रोप्रिएशन। भाई एक बार मैंने पूछा था एक लेक्चर में बच्चे को कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंटली भाई साहब ने ना हाथ ऊपर करके आंसर दिया था, सर एप्रोप्रिएशन मींस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, बोला सत्यानाश हो तेरा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज एप्रिसिएशन, एंड हियर आई हैव रिटन एप्रोप्रिएशन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड एप्रोप्रिएशन। सर क्या डिफरेंस है, सर अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा तो एप्रिसिएशन है, वैल्यू कम हो गया तो डेप्रिसिएशन है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाया डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, सर क्यों करूं मेरा प्रॉफिट है, भाई मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहा हूं, तेरे कोर्स का नाम देख, कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी, कंपनी में एक ओनर नहीं होता है, मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड आपका प्रॉफिट उन शेयर होल्डर को बांटना पड़ता है, आपको डिविडेंड के फॉर्म में उसे देना पड़ता है। तो जब भी आप एप्रोप्रिएशन की बात करते हो इसमें आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें आता है डिविडेंड पेड, ये सारी चीजें जो है ना जो प्रॉफिट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये सारी चीजें प्रॉफिट के बाद होती है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये पूरा लिस्ट आपको एक्सक्लूड करना है। तो जब भी आप लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे यू शुड कंसिडर ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। सर इतना कौन सोचेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड करो, जो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में नहीं लिखा है उसे एक्सक्लूड करो, फाइन ए इज द लिस्ट विच इज टू बी एक्सक्लूडेड। सेम वे जब भी आप लोग इनकम कैलकुलेट करते हो ना, इनकम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चों मैंने, टू बी इंक्लूडेड टू बी एक्सक्लूडेड। सेल ऑफ फिनिश गुड, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सारे आपके प्रोडक्शन होने तक और प्रोडक्शन होने के बाद के आने वाले इनकम है। सेल करना इज द मेन बिजनेस एक्टिविटी, और प्रोडक्ट बनते बनते जो भंगार है उसे बेचना भी तो जरूरी है, क्योंकि वो भंगार के भाव की वजह से आपका खर्चा कम होता है। सर कैसे, सर फैक्ट्री में मैंने 10,000 रुपीज का खर्चा किया, और फैक्ट्री में ही पूरा स्क्रैप जो जमा करके मैंने भंगार वाले को बेचा उसने मुझे 1,000 रुपीज का इनकम हुआ, तो फैक्ट्री में नेट खर्चा कितना हुआ, सर 10,000 का खर्चा 1,000 का इनकम, नेट ऑफ करेंगे तो 9,000 आएगा, समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप वाला माइनर इनकम योर एक्सपेंसेस आर गेटिंग रिड्यूस, एंड व्हेन योर एक्सपेंसेस आर गेटिंग रिड्यूस आपका कॉस्ट अफेक्ट होता है, इसीलिए व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ये दो इनकम कंसिडर करो, और एक्सक्लूड में ऑल अदर इनकम लिखा। सर इसका लिस्ट, ऑल अदर मतलब ये दोनों छोड़ के सब पे पगले सब कुछ आएगा, ऑल अदर इनकम में आता है आप लोगों का रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अरे कुछ भी रिसीव किया, लॉटरी इनकम मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी इनकम है वो प्रोडक्ट का इनकम नहीं है, इंटरेस्ट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की वजह से मिला है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन। रेंट हाउस प्रॉपर्टी के टेनेंट ने दिया है वो आपको प्रोडक्शन की वजह से नहीं मिला है। कमीशन
आप लोगों ने किसी और का सेल कर दिया रहेगा, उसका कमीशन आपको मिला है, इसीलिए दैट इज नॉट योर मेन इनकम. दैट्स व्हाई ऑल अदर इनकम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. गाइस होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ देयर इज वन ओनली वन सिंपल पार्ट लेफ्ट इन दिस, दैट इज कॉस्ट का बाइफर्केशन बाय नेचर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां पे हम लोग कॉस्ट का फिर से बाइफर्केशन कर रहे हैं. सर पहले किया था, वो फंक्शन था फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग में, दैट वाज द फंक्शनल बाइफर्केशन. और अभी हम लोग नेचर वाइज बाइफर्केशन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने ये नाम सुने रहेंगे. कॉस्ट कैन बी वेरिएबल इन नेचर, इट कैन बी फिक्स्ड इन नेचर, इट कैन ऑल्सो बी सेमी वेरिएबल इन नेचर. सर मतलब क्या होता है कॉस्ट विच वेरीज विच चेंज इन क्वांटिटी? सर क्वांटिटी बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगा कॉस्ट कम होगा. याद आया किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी. क्वांटिटी के हिसाब से जो चेंज होता है, वेरी होता है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर वेरिएबल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेजेस वेरिएबल कॉस्ट. ऐसे ही फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना रहेगा. सर ये क्या होता है सर फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड, विच रिमेन्स अनचेंज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. सर मतलब क्या? सैलरी है, रेंट है. आप ही सोचो, यूनिट कम करो बनाओ नहीं, बढ़ा दो फुल कैपेसिटी यूज करो, ये तो अमाउंट उतने ही रहेंगे, ये तो कभी चेंज होने वाले नहीं है. इसीलिए इन कॉस्ट को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट, जो कभी भी चेंज नहीं होगा. एंड फाइनली कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो दोनों के गुण दिखाते हैं, जो थोड़ा सा रहते हैं फिक्स, थोड़ा सा रहते हैं वेरिएबल. सर समझाओ ना ये कैसा होता है. से फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, ठीक है? पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन अगर आप लोग यूज करते हो तो उसमें सबसे पहले एक चीज होती है रेंटल ऑफ रुपीज 99, 49, 199, व्हाटएवर. वेदर यू आर यूजिंग द फोन और नॉट यूजिंग द फोन, आप लोगों को ये 99 फ्लैट रेट पे देना ही पड़ेगा. दिस इज द फिक्स्ड पार्ट. बट अगर आप लोगों का प्लान एग्जॉस्ट हो गया, सर प्लान एग्जॉस्ट हो गया का मतलब क्या? प्लान एग्जॉस्ट हो गया का मतलब होता है आप लोगों को जो लिमिट दिया था 100 SMS का, आप लोगों ने 150 SMS भेजे. आपको जो लिमिट दिया था 1000 local minutes का, आप लोगों ने 3000 minutes तक अपने गर्लफ्रेंड से बात की. मतलब कितनी सारी बातें रे, कहाँ से लाते हो बाबू शोना. इसके वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया आप लोगों का 100 rupees. तो ये बिलिंग साइकिल में आपका बिल बना 199, जिसका ब्रेकअप इज 99 फिक्स्ड, 100 इज वेरिएबल. अभी आप ही बताओ नेक्स्ट मंथ की जब बात करोगे तभी रेंटल 99 उतना ही रहेगा, लेकिन ये क्या बचा हुआ आपका SMS चार्जेस और एडिशनल जो मिनट्स आपने यूज किए वो उतने ही रहेंगे? नहीं ना, दे में फ्लक्चुएट. अगर यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ खर्चा किया 11 rupees का, तो 11 rupees का खर्चा होने के बाद आपका टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज होके हो जाएगा 110. ब्रेकअप 99 फिक्स्ड, 11 चेंज हो रहा है. जो चेंज हो रहा है और जो फिक्स्ड है, इसका कॉम्बिनेशन जिस कॉस्ट में आता है, जिसका मिक्सचर बोला जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल का, उसका ही नाम है सेमी वेरिएबल. और सेमी वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. Few important rules are there related to this cost. ये rules मैं आपके साथ discuss करना चाहूंगा, थोड़ा सा concentrate करना यहाँ पे. बहुत ही important concept I am discussing now. बहुत बच्चे confused होते हैं, ठीक से समझो. यहाँ पे मैं दो scenarios लिख रहा हूँ, जहाँ पे quantity production का जो है वो mention कर रहा हूँ. Quantity 500 units और यहाँ पे quantity लिखा मैंने 1000 यूनिट्स. मतलब मेरे पास दो प्लान है, एक तो मैं 500 यूनिट प्रोड्यूस करूं या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूं, ठीक है? यहां पे लिखा मैंने टीवीसी. सर टीवीसी का मतलब क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 500 यूनिट बनाने का खर्चा बच्चों 5000 rupees आता है. 5000 rupees इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच वी जनरली इनकर फॉर प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट. 500 यूनिट के लिए 5000 वेरिएबल है. आप बता सकते हो 1000 यूनिट के लिए कितना खर्चा आएगा? नजर, दिल, दिमाग सबका इस्तेमाल करो. बहुत बच्चों का सही आंसर आ जाएगा, आपका खर्चा होगा 1000 rupees. सर बराबर ना? सर प्रपोर्शन डबल हो गया, कॉस्ट डबल हो गया. यहाँ पे एक रूल बन जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज चेंजेस व्हेन क्वांटिटी चेंजेस. When quantity increases, total variable cost increases, and when quantity reduces, total variable cost reduces. को समझा?
अगर क्वांटिटी बढ़ा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा. तो दिस इज द रूल नंबर वन रिलेटेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. रुको जरा, सबर करो, दूसरा भी आप लोगों को रूल बताता हूं. यहां पे लिखा मैंने वीसीपीयू. सर कौन सी पीयू? वीसीपीयू का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर लेंगे. 5000 रुपया डिवाइडेड बाय 500 यूनिट करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का आ जाएगा 10. सेम वे 10,000 रुपीज डिवाइड बाय 1,000 विल गिव यू 10 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो मुझे एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है ये पता चला, 10 रुपीज. रूल नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. बच्चों कंफ्यूजन यही होता है, बच्चों को ऐसा एमसीक्यू दिखता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज डैश, नीचे रहता है चेंजेस, नीचे रहता है फिक्स्ड. आपका आंसर होना चाहिए फिक्स्ड, लेकिन नजर हटी, दुर्घटना घटी, अपनी नजर पड़ती है वेरिएबल. अरे वेरिएबल है तो चेंज होगा, वेरी होगा, तो हम लोग चेंज पे टिक करके आते हैं और फिर अटेम्प्ट ऐसे सिली मिस्टेक्स हम लोग करके ना अटेम्प्ट बढ़ाते हैं लाइफ में. समझ लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज चेंजेस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स फिक्स्ड. और इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर लिखा है, रूल नंबर, चेंजेस इन टोटल. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा टोटल में चेंज होगा लेकिन हमेशा फिक्स रहेगा इन पर यूनिट फॉर्म. पर यूनिट फॉर्म में इट नेवर चेंजेस. हाँ बच्चों, नेवर चेंजेस, प्लीज मार्क माय वर्ड्स. टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज चेंजेस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नेवर चेंजेस. सर हवे सु थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और ये फिगर्स चेंज कर देता हूं. सिर्फ आप लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है. यहाँ पे मैंने लिख दिया थोड़ा चेंज करके टीएफसी. व्हाट इज टीएफसी स्टैंड्स फॉर? टीएफसी स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना. 500 यूनिट बनाने के लिए 5000 का खर्चा आता है, 1000 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? 2500 खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, कितना? अबे गद्दे, वो फिक्स्ड कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, कितने भी यूनिट बना 5000 का खर्चा 5000 ही रहेगा. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंजेस. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी कितना भी भले चेंज हो जाए, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. चलो लेट्स चेक पर यूनिट पे क्या असर होता है. 5000 डिवाइड बाय 500 इज 10. 5000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 5. ओह माय गॉड, टू लव, चेंज हो गया. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा. दैट टू इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी का चेंज. सर सत्यानाश हो सर तेरा. अरे क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा. इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, कुछ समझा? सो क्वांटिटी चेंजेस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंजेस. क्वांटिटी चेंजेस, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस इन अपोजिट ऑर्डर. इसीलिए यहां पे मैंने रूल नंबर नेक्स्ट लिखा फिक्स्ड कॉस्ट का. फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में फिक्स रहेगा भक्त जनों, लेकिन ये चेंज होगा हमेशा इन पर यूनिट फॉर्म. पर यूनिट में ये हमेशा चेंज होने वाला है. कुछ समझ में आया? सर अभी तक तूने क्या क्या करवाया? आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक पॉइंट्स ऑफ योर कॉस्टिंग. कॉस्ट शीट चालू करने से पहले ये सारी चीजों का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है. जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया विथ कॉस्टिंग, विच मीन्स टेक्निक ऑफ एसर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. कभी कभी क्वेश्चन आता है इज कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज सेम? ना बाबा ना, दे आर नॉट एट ऑल सेम, दे आर डिफरेंट. कॉस्टिंग आपका कॉस्ट एसर्टनमेंट टेक्निक है. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो कॉस्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग टेक्निक है. कॉस्ट अकाउंटिंग की फिलहाल बात नहीं कर रहे हम लोग, कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं. इसमें एक वर्ड आया कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है सारे खर्चे. मटेरियल को कंज्यूम करो और फिनिश गुड्स को बेचो, तब तक के लिए जितना खर्चा आएगा कॉस्ट में आएगा. अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया. पहला था डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा था इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट सेकेंडरी कॉस्ट. अगर किसी ने पूछा कंप्लीशन के लिए लगने वाला कॉस्ट इज योर इनडायरेक्ट, कमेंसमेंट के लिए लगने वाला कॉस्ट इज डायरेक्ट. आप लोगों को किसी ने पूछा जो डायरेक्टली चेंज होता है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, जिसके ऊपर असर नहीं पड़ता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट को मैं डिवाइड किया हूं तीन पार्ट में. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तीनों के सामने डायरेक्ट वर्ड लिखा है और डायरेक्ट का मतलब होता है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटिटी. क्वांटिटी इंक्रीजेस, दिस ऑल कॉस्ट इंक्रीजेस. क्वांटिटी रिड्यूसेस, दिस ऑल कॉस्ट अमाउंट्स आर गोइंग टू गेट रिड्यूस फॉर श्योर.
Third item is your indirect cost. This is functional classification according to the utilization of your cost element in different department. इनको cost center भी बोला जा सकता है. Factory में use होने वाला cost, administration purpose के लिए use होने वाला cost और selling purpose के लिए use होने वाला cost is divided. इसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से expenses consider करेंगे बोला, direct and indirect. जो नहीं करेंगे उनका नाम है fine A, full forms available है. इनकम में सिर्फ सेल ऑफ फिनिश गुड, सेल ऑफ स्क्रैप आएगा, बचे हुए इनकम्स हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. और फिर हम लोगों ने नेचर वाइज कॉस्ट का बाइफिकेशन देखा, जिसमें टोटल कॉस्ट अगर बोलते हो तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल. टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा, दैट टू इनवर्स प्रोपोर्शन में. Hope you guys have understood this basic discussion about the basic cost elements thoroughly. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट. चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन. सी, रिवीजन होने के बावजूद कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डायरेक्टली लिख के समझाना आसान था, लेकिन इतना डिस्कशन हम लोगों ने थियरी का इनडेप्थ किया है कि आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लो में आ जाएगा. ऑलवेज यू शुड स्टार्ट योर कॉस्ट शीट विथ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ आप लोगों को क्वांटिटी सोल्ड भी दिया रहेगा, अगर दिया है तो वो भी कंसिडर करना है. यहाँ पे ओनली फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पज मैंने एक इनर कॉलम बनाया है जिसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे वर्किंग. एक आउटर कॉलम बनाया है, दिस इज द कॉलम फॉर टोटल, जहां पे हम लोग टोटल कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे. एंड फाइनली सीपीयू स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, ठीक से देखते रहो क्या चल रहा है यहाँ पे. जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया बच्चों, सेम ग्रेजुअल मैनर में हम लोग सारे के सारे कॉस्ट एलिमेंट रिकॉर्ड करते जाने वाले. When you are talking about production activity, your production activity always starts with first three primary elements of cost. जिनको आपको हमेशा इनकर करना पड़ता है, तो पहले डायरेक्ट कॉस्ट से शुरुआत करना, और डायरेक्ट कॉस्ट में ऑलवेज यू शुड रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट. सर, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ दिया रहेगा तो ठीक, अगर नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करने का फॉर्मूला थियरी में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, कवर किया था, डिस्कस किया था. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल इफ एनी. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के साथ आप लोगों को ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस को. डायरेक्ट वेजेस जो भी वर्कर्स को आप लोग पैसे देते हो वो डायरेक्ट वेजेस है, और ये डायरेक्ट वेजेस आपको रिकॉर्ड करने हैं क्वेश्चन में से. और इसी के साथ ये जो मैं स्टामक कर रहा हूँ सारी चीजें ऐड होने वाली है, और क्योंकि हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर आता है आप लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी बच्चे पूछते हैं सर ये कॉस्ट शीट क्यों बनाने का. सर समझ लो बच्चों, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन of cost which you have incurred for the purpose of producing a commodity, and this cost sheet is prepared by an cost accountant. Cost accountant ne ye banaya hua cost sheet hai jisme aap logo ko detailed information milta hai about the cost which you have incurred, aur uske nature wise aap log calculation kar sakte ho. जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे, आफ्टर रिकॉर्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों को टोटल करना है. इन सब का टोटल करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा, that is your prime cost. याद करो मैंने क्या बोला था, this all three elements are called as primary cost element, और इसीलिए इन तीनों के टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट. यहाँ पे आ गया आप लोगों का पहला अमाउंट. So whenever question asks you to calculate prime cost is nothing but addition of three item, direct material, direct wages and direct expense. तीनों को add करो आपको prime cost मिलेगा. This is the end of direct cost. जैसे डायरेक्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करने हैं इनडायरेक्ट के पहले एक्सपेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं इनर कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप दिया है जो फैक्ट्री का स्क्रैप है ना, ऐसा वाला स्क्रैप प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वगैरह जो रहेगा, वो सेल ऑफ स्क्रैप आप लोगों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा.
और जैसे ही सेल ऑफ स्क्रैप इसमें से माइनस करते हो आपको मिलेगा नेट अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। याद करो मेरा एग्जांपल 10,000 का फैक्ट्री का खर्चा था, 1,000 रुपया मैंने स्क्रैप बेच के कमाया, तो नेट खर्चा मेरा फैक्ट्री का हो गया 9,000 रुपीज। हाउ आई कंप्यूटेड दिस 9,000? 10,000 में से 1,000 का स्क्रैप माइनस करके प्राइम कॉस्ट के साथ। जब ये फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आप लोग ऐड करोगे, देखो फिर से एक बार क्या बोला, प्राइम कॉस्ट के साथ जब फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट ऐड करोगे आपको और एक सब टोटल मिलेगा। दैट सब टोटल इज कॉल्ड एज योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका और एक नाम है ग्रॉस वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। ये डिफरेंट नेम्स में बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को याद रखना है तो कहीं पे नोट करके रख लेना व्हाइल व्यूइंग दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। सो ग्रॉस वर्क कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एंड वंस फैक्ट्री कॉस्ट इज अवेलेबल विथ यू गाइस, इसमें आप लोगों को दो चीजें एडजस्ट करनी है। बच्चे पूछते सर ग्रॉस का मतलब क्या? ग्रॉस मीन्स बिफोर एडजस्टमेंट। सर क्या एडजस्ट करेंगे? मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, वर्कर्स काम करने आए, आपके पास डिजाइन अवेलेबल है, काम चालू हो गया फैक्ट्री में। काम चालू हो गया फैक्ट्री में बच्चों, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, योर स्टिल वर्क इज इन प्रोसेस। आप लोगों का वर्क जो है वो प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, इसीलिए आपका जो मटेरियल है वो अभी मटेरियल नहीं रहा। दैट मटेरियल इज नाउ कन्वर्टेड इंटू सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट। सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। और इसीलिए हमें एड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP टू दिस कॉस्ट, और इस कॉस्ट में से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओ माय गॉड सर क्या कर दिया ये? ये तभी होगा जब WIP स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा। बच्चों ये WIP के स्टॉक को देखो और उसको एड और लेस करो। बच्चे पूछते हैं सर ओपनिंग एड क्यों किया, क्लोजिंग लेस क्यों किया? बच्चों ओपनिंग एड क्यों किया, क्योंकि वो लास्ट ईयर से आपके पास प्रोसेसिंग में है, तो उसका प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट करोगे, दैट इज व्हाई इट इज एडेड टू द कॉस्ट। उसका कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ेगा। और क्लोजिंग लेस किया क्योंकि वो अभी भी अनप्रोसेस है, वो अगले साल जाके प्रोसेसिंग में जाएगा, तो ये साल जो आप लोग प्रोसेसिंग ही नहीं किए हो उसको ये साल के कॉस्ट में से हटा दो। इसीलिए हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस कर दिया। सर माइनस करने के बाद क्या होगा, अपने पास और एक टोटल आएगा और इस टोटल को हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्क्स कॉस्ट। यहाँ पे आप लोगों का नेट वर्क कॉस्ट भी आ गया। कुछ समझ रहा है क्या चल रहा है? सो वेरी फर्स्ट वी स्टार्टेड विद डायरेक्ट मटेरियल, वी एडेड डायरेक्ट वेजेस, वी एडेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन वी गॉट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में वी एडेड फैक्ट्री ओवरहेड, लेट सेल ऑफ स्क्रैप, दैट गेव अस ग्रॉस वर्क कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP, आपके पास मिल गया नेट वर्क्स कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री एक्टिविटीज आर ओवर, फैक्ट्री के खर्चे हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैक्ट्री के खर्चे खत्म। फैक्ट्री के खर्चे खत्म मतलब नेक्स्ट खर्चा चालू, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जैसे ही फैक्ट्री का खर्चा हो गया आपके ऑफिस का खर्चा इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऑफिस का खर्चा ऐड करने के बाद लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली वी विल बी एडिंग दोज ऑफिस एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन पति यू, प्रोडक्शन खत्म हुआ, आप लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया था जो WIP में कन्वर्ट हुआ। WIP में कन्वर्ट होने के बाद जो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे है वो मैंने ऐड किए, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे प्रोडक्शन के पूरा कितना खर्चा लगा है। द कॉस्ट which you have totally incurred for the purpose of production is called as cost of production, and cost of production simply indicates that the production activity is over. बच्चो production activity is over का मतलब आपके पास अभी जो material और WIP बचा था वो material और WIP convert हो गया किसमें sir, into finished goods. Production is completed, no? That means finished goods is ready. So, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर ओपनिंग क्यों ऐड किया?
लास्ट ईयर के जो फिनिश गुड्स आपके पास पड़े हुए थे वो बेचोगे तो उसके ऊपर बेचने का खर्चा होगा। ये साल जो आप लोगों के फिनिश गुड्स बेचे ही नहीं है उसके ऊपर बेचने का खर्चा नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हैं। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे आपके पास आएगा नेक्स्ट आइटम जिससे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टेक्निकली दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट इनकर्ड और कॉस्ट विच इज अवेलेबल फॉर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल। आप लोगों के पास ऐसे गुड्स है जो बेचने के लिए रेडी है और उनके लिए अभी तक आपने जो खर्चा किया है दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके मॉड्यूल में अगर देखोगे तो COGS के नाम से लिखा गया है और इसीलिए मैंने वही नाम यहाँ पे यूज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब अभी कोई खर्चा करना है? हाँ ना, बेचना है ना बच्चों, गुड्स बेचोगे तो उसके लिए और खर्चा करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो। हम लोगों ने देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे के सारे खर्चे ऐड कर दिए, डायरेक्ट के तीनों खर्चे, इनडायरेक्ट के तीनों खर्चे ऐड होने के बाद फाइनली आपके पास टोटल आएगा एंड दिस टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ये कॉस्ट ऐसे प्रोडक्ट का है जो आप लोगों ने बेचे है। आप लोगों ने गुड्स बेच दिए, आप ही मुझे बताओ गुड्स आप लोग कॉस्ट पे बेचोगे क्या? कोई भी बोलेगा सर कॉस्ट में बेचने के लिए मैं क्या आपको ऐसा हुआ वो लगता हूँ क्या? नहीं ना, इसीलिए इस कॉस्ट में हमेशा सेलर जो है वो प्रॉफिट ऐड करता है, और जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया जाता है तब जाके आप लोगों को फाइनली एक आंसर मिलता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑलवेज गिव्स यू फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट सेल्स एंड दिस इज द एंड ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में बच्चों इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, खत्म हो गया। सो कॉस्ट शीट वी स्टार्टेड विद क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी सोल्ड, देन वी स्टार्टेड विद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। एडिशन विल गिव यू प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड लेस सेल ऑफ स्क्रैप विल गिव यू ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP विल गिव यू नेट वर्क कॉस्ट, उसमें ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स यू विल बी गेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल में जब प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा सेल्स। दिस इज द एंड ऑफ द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। इफ यू गाइज हैव एनालाइज दिस फॉर्मेट, इसमें CPU के कॉलम के बारे में हम लोगों ने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिवाइजिंग द एंटायर टॉपिक, और दोस पॉइंट्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी सोल्ड। इफ एनी ऑफ दिस क्वांटिटी इज मिसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वांटिटी प्रोड्यूस मिसिंग हो या क्वांटिटी सोल्ड मिसिंग हो, इजीली आप लोग ये क्वांटिटीज कंप्यूट कर सकते हो बाय यूजिंग द अवेलेबल फॉर्मूला ऑन स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लॉजिकली समझो मैंने मेरे गोडाउन में 100 यूनिट्स का फिनिश गुड्स का क्वांटिटी लास्ट ईयर से पड़ा हुआ था, वो गोडाउन ओपन किया तो देखा उत्तरी मेरे पास तो ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स का है, इसमें मैंने ये साल 900 यूनिट्स और प्रोड्यूस किए, मतलब मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने आ गए फिनिश गुड्स के 1000 यूनिट। 1000 यूनिट में से ईयर एंड में देखा 400 यूनिट जो है ना दे आर स्टिल लाइंग इन माय गोडाउन, मतलब मेरे गोडाउन में ये अनसोल्ड यूनिट्स है जो मैंने बेचे ही नहीं। 100 थे, 900 प्रोड्यूस किए मतलब हो गए 1000 में से 400 बेचे नहीं, मतलब 600 यूनिट्स मैंने बेचे, ये 600 यूनिट्स को बोला जाता है क्वांटिटी सोल्ड। दिस इज हाउ क्वांटिटी सोल्ड कैन बी कंप्यूटेड। सेम वे कुछ क्वेश्चन में आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो मिसिंग रहेगा, अगर ये मिसिंग रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिवर्स जाओ, 600 में ऐड करना 400, रिवर्स कैलकुलेशन में साइन चेंज हो जाता है, 600 प्लस 400 1000, और 1000 में से जब माइनस करोगे 100 यूनिट यहां पे ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा 900 यूनिट्स का कैलकुलेशन। सो व्हेनेवर क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी सोल्ड दे आर मिसिंग, you can compute them by using the given formula. Formula is very important. You may expect one question on this formula. Iske upar based rahega. Done? Iske aage second important rule likha hai maine. Ye points bahut hi important hai. Aapko calculation ke waqt bahut kaam aayenge. Jisme likha hai valuation of opening and closing stock of finished goods. Chalo.
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर मेरे क्वेश्चन में अवेलेबल है सर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 101% क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट क्वेश्चन में दे विल गिव यू यूनिट्स, अगर ऐसा कुछ यूनिट्स लिखा है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है 100 एंड क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है 400। हाँ सर, मतलब सिर्फ यूनिट्स दिया है भाई, तेरे को कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करने के लिए यूनिट्स नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो ये यूनिट को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सर्टन बेसिस यू नीड टू यूज। कौन से बेसिस पे कन्वर्ट करो, कौन सी यूनिट चाहिए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स है मतलब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, और जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तभी का जो कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस, दे आर नॉट येट सोल्ड ना, तो सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगा इसमें, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेसिस होगा। So opening stock of finished goods should always be valued on the basis of last year's cost of production per unit. दिमाग लगा दो। Opening stock of finished goods should be based on the level of last year's cost of production. Sir, last year का क्यों सर? क्योंकि ये opening stock है, last year से आया है, cost of production भी last year का consider करना पड़ेगा। Whereas closing stock is to be valued on the basis of current year's cost of production. Sir, 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 क्या बोला सर? Opening stock का valuation last year के COP पे करो, closing stock का valuation current year COP पे करो, क्योंकि opening stock last year से आया हुआ stock है, closing stock ये साल का stock है, इसीलिए last year और current year मैंने लिखा। कभी कभी क्या होता है कि question में last year का information नहीं दिया रहेगा। When last year information is not given, lack of information case, in that case both these stocks are to be valued on the basis of current year's cost of production. दोनों का valuation current year cost of production पे होगा जब last year का information नहीं रहेगा, तो along with some ये point फिर से एक बार revise होगा, and this is very very important point. So opening stock of finished goods to be valued on the basis of last year cost of production, provided last year ka hona chahiye information, nahi hai to current year pe. Closing stock of finished goods always should be valued on the basis of current year's cost of production, hamesha current year pe value hoga. And the last information and important point is related to the calculation of CPU. CPU ka calculation, sir ye kya hota hai? Cost of production aap logon ne COP likha tha, yahan pe CPU hai, this is cost per unit. Let me share this format once again with you. अगर ठीक से देखोगे तो CPU का कॉलम यहाँ पे देखो, सुना सुना लग रहा है सर ये CPU के कॉलम में क्या लिखेंगे, अधिक जानकारी के लिए देखिए ये वाला एपिसोड। CPU मतलब कॉस्ट पर यूनिट, अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट को आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। सर नहीं समझा सर, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट इज इक्वल टू 10,000। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए इस 10,000 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को 10,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे आप लोगों को दिया है 1000 यूनिट्स और आप लोगों का ये यहाँ का इंफॉर्मेशन मैंने कर दिया गायब, अगर ये 10 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000 रुपीज का टोटल डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स का क्वांटिटी, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी विल गिव यू सीपीयू का वैल्यू। सर पर यूनिट वैल्यूएशन में चलो समझा, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर टोटल कहां से मिलेगा? आंखें खोल कस्टमर, आंखें खोल और देख ये बीच के कॉलम का हेडिंग क्या लिखा है मैंने। बीच के कॉलम का हेडिंग मैंने लिखा है टोटल, इस टोटल के कॉलम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से। अब भी क्वेश्चन आता है यार सर, दोन 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 क्वांटिटी, दोन 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 क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी यूज करने का? तो लेट मी गिव यू क्लियर बाइफरकेशन ऑफ द क्वांटिटी यूज। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका टोटल वैल्यू जो है वो डिवाइड होगा क्वांटिटी प्रोड्यूस से। सर क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा है। इसके बाद COGS से लेके सेल्स तक का जो टोटल है वो डिवाइड होगा क्वांटिटी सोल्ड से। सर क्यों? क्योंकि सेलिंग एक्टिविटी चल रहा है। सो जब भी पर यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चों बी वेरी केयरफुल, टोटल वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय यूजिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज क्वांटिटी सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वैल्यू। टू discuss all this point thoroughly, let me solve one question for you.
एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को क्लियरली समझेगा कि एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस रूल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट्स अपने पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर वन आई एम सॉल्विंग हियर फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन अलोंग विद सॉल्यूशन मैं शेयर करूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो, नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। कॉस्टशीट लिखा है, उसमें लिखा है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू कमोडिटी ए फॉर द ईयर 31st March 2019 इज अवेलेबल विद अस। जहां पे परचेस ऑफ मटेरियल अवेलेबल है 48,000, परचेस ऑफ मटेरियल हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करेंगे, फिर डायरेक्ट वेजेस लिखा है 40,000, नेक्स्ट इज स्टॉक ऑन 1/4/2018 का स्टॉक बच्चों अपने लिए हो जाएगा ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे लिख के रखता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक फॉर अस। ठीक है, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है इसमें देखो कौन कौन से स्टॉक्स अपने पास अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जहां पे क्वांटिटी अवेलेबल है 1600 क्विंटल्स। स्टॉक एज ऑन 31st March 2019 ये मेरे लिए हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोथ आर अवेलेबल। वर्क ऑन कॉस्ट, बच्चों को समझने के लिए यहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड 16,800, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP इज ऑल्सो गिवन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है। आगे बोला है क्वेश्चन में एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.40 पर क्विंटल पर यूनिट का इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 225,600 क्विंटल्स ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। सर ये क्या है, दिस इज नथिंग बट क्वांटिटी प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों हमेशा आपको एक चीज करनी पड़ेगी, यू हैव टू स्टार्ट योर सॉल्यूशन विथ वन वर्किंग नोट। सर कौन सा वर्किंग, देखते रहो क्या हो रहा है, बहुत इजी है। वर्किंग नोट में मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि कहीं पे भी क्वांटिटी सोल्ड नहीं दिख रहा था। सो माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू कैलकुलेट क्वांटिटी सोल्ड। वन फुल फ्लेज क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग ओनली टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, याद करो ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में मैं ऐड करूंगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड का, प्रोडक्शन का क्वांटिटी ऐड करने के बाद मैं इसमें से माइनस करूंगा जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है एट ईयर एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और फाइनली दिस विल गिव यू क्वांटिटी सोल्ड एज योर फाइनल आंसर। ओनली वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द गिवन अमाउंट्स इन दिस कंप्यूटेशन। जरा चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर ठीक से चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन में से। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जरा चेक करो, आपको मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू विच इज 1600 क्विंटल्स। क्वांटिटी प्रोड्यूस इज गिवन इन द लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन से 25,600 क्विंटल आपने प्रोड्यूस किया, और जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा 32,000 क्विंटल आपके पास पड़ा हुआ था। सो 1600 पहले से था, 25,600 तूने बनाया, 3,200 तूने यूज नहीं किया, 24,000 क्विंटल जो है वो आप लोगों ने बेच दिया। सो वेरी फर्स्ट ऑलवेज एसर्टन बोथ द क्वांटिटीज। डेलिबरेटली मैंने ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जहां पे क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड, ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता रहेगा, सेम फॉर्मेट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जहां पे 3 columns आई एम प्रिपेयरिंग। एनीवे MCQ में आप लोग कॉलम्स वगैरह नहीं बनाने वाले हो, फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इट्स माय ड्यूटी, इट्स जेके शाह क्लासेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। सो हियर कॉस्ट शीट आई एम प्रिपेयरिंग, वेरी फर्स्ट आई एम रिकॉर्डिंग एज पर आर फॉर्मेट क्वांटिटी प्रोड्यूस विच इज 25,600 क्विंटल्स, एंड देन आई एम रिकॉर्डिंग क्वांटिटी सोल्ड विच आई हैव कंप्यूटेड बाय प्रिपेयरिंग फर्स्ट वर्किंग नोट 24,000 क्विंटल्स। पहले कॉलम में
इनर कॉलम है तो हम वर्किंग बनाएंगे, जितने रुपीज हैं सब कैलकुलेशंस यहाँ आएंगे। देन टोटल के कॉलम में ओनली टोटल्स वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, एंड फाइनली सीपीयू में कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन होगा। डन, लेट्स स्टार्ट विद द मेन सॉल्यूशन। मेन सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पहला हेडिंग रिकॉर्ड करना है, जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोलो, या जिसे आप लोग बोल सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है बिकॉज योर पेपर इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का बच्चों एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था थियरी में। जब भी मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा 8,000 रुपीज, विच आई हैव रिकॉर्डेड इन फर्स्ट कॉलम। इसमें आप लोगों को ऐड करना है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन का अगर प्रिंट रहेगा तो वो लेके बैठना, ताकि आप लोगों को पता चले अमाउंट कहां से आ रहे हैं। 48,000 का परचेजेस लिखने के बाद कहीं पे भी क्वेश्चन में एक्सपेंस ऑन परचेस नहीं था, तो उसे स्किप करके मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज पर गिवन इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा 31st मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 6,800 रुपीज। जैसे ही अमाउंट लिखोगे कैलकुलेटर पे इनका टोटल करना, यू मे एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ आरएमसी कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन फॉर वन मार्क का एमसीक्यू। 49,200 इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम विच यू हैव इनकर्ड। इजीली कंप्यूटेड, वंस डायरेक्ट मटेरियल इज इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट शीट, नेक्स्ट आइटम विच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इज डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली दिया है 40,000 रुपीज, उसको रिकॉर्ड कर दिया मैंने, कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था इसीलिए इसी को ऐड करूंगा मैं, मेरा टोटल बन जाएगा 89,200। और बच्चों ये 89,200 अपने लिए हो जाएगा अपना सबसे पहला प्राइमरी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइम कॉस्ट। आपने एनालाइज किया रहेगा, जो चीजें नहीं है वो मैं फॉर्मेट में से स्किप कर रहा हूँ, इजिली आप स्किप कर सकते हो। वंस प्राइम कॉस्ट इज अवेलेबल विथ यू नो गाइज, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। पूरा क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आई एम रिकॉर्डिंग इन आउटर कॉलम 16,800 एज देयर इज नो स्क्रैप गिवन इन द क्वेश्चन। स्क्रैप नहीं है इसीलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। आपका 89,200 प्लस 16,800 विल गिव यू टोटल ऑफ 1,06,000। 1,06,000 को हम लोग नाम देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट। जैसे ये वर्क कॉस्ट आपके पास आएगा, जरा गौर फरमाइएगा भक्तजनो, यहाँ पे मैंने नेट नहीं लिखा है, क्या लिखा है ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब है WIP एडजस्टमेंट इज स्टिल पेंडिंग। अपना WIP एडजस्टमेंट अभी तक पेंडिंग है, WIP एडजस्ट करना पड़ेगा। सर कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने फॉर्मेट में पढ़ा था, सेम टाइप ऑफ एडजस्टमेंट वी नीड टू डू हियर। ठीक है, तो लेट मी कंटिन्यू विद माय कैलकुलेशन। इसमें आई एम गोइंग टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, इस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP में से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। दिस बोथ WIP स्टॉक्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज रिकॉर्ड देम इन आउटर कॉलम। आउटर मतलब आप लोग फॉर्मेट नहीं बनाने वाले हो, इसीलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। 1920 इज टू बी एडेड एंड 6,400 इज टू बी डिडक्टेड। ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो इसका पर यूनिट कभी नहीं आता। आपके पास टोटल अमाउंट अवेलेबल था 1,06,000, उसमें ऐड करो 1920, उसमें से माइनस करना 6,400, आपके पास बैलेंस बचेगा 1,01,520। ये जो आया आपका अमाउंट, ये आया हुआ अमाउंट जो है, दिस इज योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1,01,520. इसको नाम दे देता हूं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों आपका फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा खत्म हो गया, इसे हम लोग नेट वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं।
फैक्ट्री कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा. एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू राइट और प्रेजेंट एनीथिंग योर पेपर, आपको सिर्फ डायरेक्टली कैलसी पे ये करना है. अगर कनेक्टिविटी समझा तो इजीली कर सकते हो. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दे मे गिव यू प्राइम कॉस्ट, आपको फैक्ट्री के ओवरहेड देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग WIP देंगे, और आपको MCQ पूछा जा सकता है नेटवर्क कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सो बी रेडी विथ ऑल दी पॉसिबिलिटीज. जैसे ही ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, फैक्ट्री के एक्टिविटीज खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ए भाई ऑफिस ऑफिस का खर्चा तू कितना है? वो बोलता है मैं तो 3200 हूं. मैंने बोला अच्छा है, ऐड कर लेते. इसमें अगर 3200 ऐड करोगे तो टोटल होगा 1,04,720. 1,04,720 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मी. ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंपली सेज भाई प्रोडक्शन हो गया है, आपका प्रोडक्ट रेडी हुआ है, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी खत्म हो गया. डन बच्चों, एक शॉर्टकट बता देता हूं. वंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अवेलेबल विथ यू ना, सबसे पहला ड्यूटी ये करना है कि पर यूनिट का कैलकुलेशन करो. सर कैसे? 49,200 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस 25,600. So 849,200 divided by 25,600 is equal to 1.92. Next one, direct wage is 40,000 divided by 25,600 is 1.56, rounded off figures. 89,200 divided by 25,600 is 3.48. 16,800 divided by 25,600 is 0.66. 1,06,000 divided by 25,600 is 4.14. Then WIP ka no calculation. 101,520 divided by 25,600 is 3.96. 3200 divided by 25,600 is 0.125. And finally, 1,04,720 divided by 25,600 is equal to 4.09. Done. जैसे ही आपके पास cost of production आ गया, आपका production activity हो गया खत्म. और जैसे ही production activity हो गया खत्म, आपके पास आ गया finished goods, जो आपको add करना है opening stock of finished goods first. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन अगर चेक करोगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, जिसका अमाउंट है 1600 क्विंटल्स का 6400 ओनली. डन, इसका पर यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर COP. यहां पे टोटल वैल्यू अवेलेबल है. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्वेश्चन में ढूंढोगे बच्चों तो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 3200 क्विंटल्स. हाँ सर, मिला. लेकिन इसका वैल्यूएशन किस पे करे? इट शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और जब करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, 4.09 जो है ना, 4.09 मल्टीप्लाई बाय 3200 करना, आपके कैलसी पे जो आता है, राउंड ऑफ करके लिखा मैंने 13090. डन. वंस दिस अमाउंट इज एडजस्टेड, सर 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 ये कहां से लाया सर 4.909? ये देखो 4.09 यहां पे. अगर राउंड ऑफ नहीं करके लिखोगे तो भी चलेगा. सर राउंड ऑफ क्यों किया? अगर आप लोग 1,04,720 डिवाइड बाई 25,600 को मल्टीप्लाई करोगे ना 3200 से, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 13,090. इसको एडजस्ट करना है, 1,04,720 प्लस 6,400 माइनस 13,090 इज इक्वल टू 98,030. सो यर 98,030 is the balance left with me. 1,04,720 plus 6,400 minus 13,090. Okay. ये जो balance आपने compute किया है, this is your COGS.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपके गुड्स रेडी हैं लेकिन आपने बेचे नहीं है. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अब ये गुड्स बेचोगे तो और खर्चा आएगा. सर कौन सा खर्चा? विच विल बी द लास्ट खर्चा इन आर रिकॉर्ड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्वेश्चन चेक करो. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल में नहीं दिया है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है 0.40 पर क्विंटल. तो 0.40 पर क्विंटल कितने यूनिट्स बेच रहे हो? सर हम तो 24,000 यूनिट्स बेच रहे हैं. तो 9,600 रुपीज का आपका खर्चा हो जाएगा. सर कैसे? क्वांटिटी सोल्ड 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.40. तो यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 24,000 क्विंटल्स यू आर सेलिंग एट रुपीज 0.40. दिस इज हाउ सेलिंग एक्सपेंसेस आर कंप्यूटेड. Once you are going to add this to the above computed cost, you are going to get 1,07,630 का next cost, जिसका नाम है cost of sales. Cost of sales is the end of total cost computation. Ascertainment of cost is done. आप लोग ये कितने profit में बेच रहे हो ये पता नहीं है, लेकिन बच्चों question में clearly दिया है कि आप लोग कौन से amount पे sales कर रहे हो. Total sales is given in the question. Total sale is 1,20,000 rupees only. 1,20,000 का sale है. अगर आपने 1,20,000 में amount में बेचा है तो आपने कमाया हुआ जो profit है that is 12,370 only. This is nothing but profit which is computed as balancing figure. Sir, balancing figure का मतलब क्या होता है? Difference between cost of sales and sale. To complete this particular solution, only one stuff is remaining, that is computation of CPU for the rest of the part. 98,030 divided by 24,000 is 4.08. Then 1,07,630, बच्चों देखना मैं कौन सा क्वांटिटी यूज कर रहा हूं. आई एम डिवाइडिंग माय कैलकुलेशन बाय 24,000, 4.48. 12,370 डिवाइडेड बाय 24,000 इज 0.52 एंड 1,20,000 डिवाइडेड बाय 24,000 योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 5 रुपीज. दिस इज हाउ एंटायर कॉस्ट शीट बेस्ड सम कैन बी सॉल्व. इसमें से सिलेक्टेड पार्ट आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है. सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर इन दिस वीडियो. आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट. थरली प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर एबीसी एनालिसिस देखोगे तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर कैरीज द वेटेज ऑफ 5 to 6 मार्क्स. 6 एमसीक्यूज आप लोग इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो. होप यू गाइज हैव बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस रिविजन लेक्चर नंबर 1. ऐसे ही बाकी के रिविजन लेक्चर भी आपको मिलेंगे. प्लीज स्टे हियर, स्टे रिवाइजिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम JK Shah Classes. थैंक यू.